अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो ऑफ द यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम का फ्यूचर, पाकिस्तान टीम की टेस्ट टीम टेस्ट खेलने वाली है, लेकिन पाकिस्तान ने साइड मैच खेला जहां पे असद शफीक और बाबर आजम ने रन्स किए हैं और रनों की भरमार भी की है और पाकिस्तान की बॉलिंग अभी बहुत अच्छी हुई। लेकिन इसमें एक सैड इंसिडेंट जो सिमिलरली जो हुआ विराट कोहली के साथ भी बड़ा अनफॉर्चुनेट था और नसीम शाह के साथ भी हुआ। नसीम शाह की वालदा फौत हो गई और ही डिसाइडेड टू स्टे बैक एंड ही डिसाइडेड टू प्ले ऑन। और बहुत हिम्मत की बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी कि उन्होंने ये फैसला लिया। बड़ा मुश्किल था कि उनकी वालदा ने उनको अनाउंस होते देखा लेकिन उनको खेलते नहीं देख सकें। ये एक बड़ा एक सैड सिनारियो था। खुशी इस चीज़ की थी कि नसीम शाह को पिक होते देखा, कि माँ बाप को खुशी सबसे ज़्यादा होती कि मेरा बेटा पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का कलर मिले, लेकिन उनको पहला मैच खेलते नहीं देख सके, ये बड़ा सैड सिनारियो। लेकिन दाद देनी पड़ेगी नसीम शाह को जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं ठहरूंगा वहाँ पे, और शायद टेस्ट मैच से पहले थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाए उनको तो वो घर भी आएंगे, लेकिन वो साइड मैच छोड़ के नहीं आए, खेलते रहे। और नसीम शाह के बारे में एज अ बॉलर मैं समझता हूँ कि एक तगड़ा फास्ट बॉलर पाकिस्तान को मिला है। मैं पिछले एक डेढ़ साल से कह भी रहा था, उनकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे भी ट्विटर पे भी लगाई थी और फिर यूट्यूब चैनल पे भी मेंशन किया था कि नसीम शाह एक ऐसा फास्ट बॉलर है जहाँ पे उसको चांस दिया जाए तो वो तगड़ा फास्ट बॉलर बन के सामने आ सकता है। और उसने जो प्रूव किया अच्छा लगा, पिछला बॉल तेज़ किया, आगे से बॉल भी उसका निकल रहा है, काफ़ी यंग हैं, काफ़ी नौजवान हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें अच्छी है नसीम शाह में, वो ये है कि उसको बॉलिंग की समझ है। इस उम्र में उसको बॉलिंग की समझ होना बहुत बड़ी बात है, ये इनबिल्ट होता है। जैसे मोहम्मद आमिर जब आया था 2009 में, और तब मैंने ये सोचा था कि मैं अब रिटायरमेंट दे दूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मेरा कोई लेना देना रह गया पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि जब आमिर और आसिफ आ चुके थे तो मेरा बिल्कुल बनता नहीं था क्योंकि मैं फिट भी नहीं था। और उस वक्त 2007-08 में आसिफ और देन 9 में मोहम्मद आमिर मेरे ख्याल में दुनिया के बेस्ट बॉलर थे, तेज़ भी थे, आउट भी कर रहे थे, फिर मैच भी जिताए पाकिस्तान को बहुत सारे। तो मैंने डिसाइड कर लिया था वहीं पे देन एंड देयर के देन नाउ माय टाइम हैज़ अराइव्ड, तो मैं छोड़ देता हूँ क्रिकेट। तो मैंने 2008-09 में एंड में मैंने ये सोचा, मैंने ऑपरेशन हुआ था, मेरा घुटने का ऑपरेशन हो रहा था, तो मैंने उस वक्त सोच लिया था कि यार मैं भाग नहीं सकता ज़्यादा, तो अब मैं छोड़ देता हूँ क्रिकेट। और ये डिसाइड करके मैं चला गया इंग्लैंड और लकीली फिर शायद का मुझे फ़ोन आ गया कि नहीं तुम्हें खेलना है और एक आधा टूर तुम्हें खेलना है, खेल के तुम्हें रिटायरमेंट देनी है। तो शायद ज़बरदस्ती पिक करा दिया पाकिस्तान टीम में, यूनस था फिर शायद ज़बरदस्ती पिक हो गया मैं, और मैं फिर खेल गया। और श्रीलंका टूर में था, मुझे याद है हरभजन और विराट कोहली भी थे वहाँ पर, हरभजन भी थे। सो आई वॉज रनिंग ऑन द वन लेग, मैं एक टांग पे भाग रहा था और भज्जी ने मुझे कहा यार शेबी आप तो एक टांग पे भाग रहे हो यार। मैंने कहा यार भज्जी मेरा घुटना ठीक नहीं है यार, तो मैं रोज़ पेन किलर लगा के खेलता हूँ। तो मैं कहते यार इट्स रियली सैड के दैट आई कांट यू नो द पर्सन लाइक यू नो हु इज़ टू रन रियली फास्ट एंड आई कांट नाउ ही कांट रन इज रनिंग ऑन द वन लेग। मैं कहा यार ऐसे ही है बस, अब क्या करूँ। तो मेरा ये आखिरी टूर होगा और शायद मैं छोड़ दूँ इसी साल। सो जब श्रीलंका से इंग्लैंड पहुँचे तो मैंने सोचा कि अब मैं छोड़ देता हूँ क्रिकेट। देन वो सैड इंसिडेंट हो गया आमिर और आसिफ का, गलती की और पकड़े गए। फिर 2010 में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं चलो एक आधा साल पाकिस्तान के लिए और खेलता हूँ और कैरी ऑन करता हूँ, लेकिन बहुत तकलीफ़ में था। बट हैविंग सेड दैट मुझे लगा कि आमिर और आसिफ के आने से मेरी जगह नहीं बनती थी, लेकिन अब जगह ही जगह है पाकिस्तान टीम में। और बड़े अरसे बाद मुझे एक अच्छा फास्ट बॉलर लगा है, आकिफ जावेद भी हैं, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं, लेकिन नसीम शाह काफ़ी अरसे बाद मुझे एक अच्छे बॉलर लगे, जैसे ऐसे बॉलर लगे जिनमें जान है, तगड़े हैं, समझ है, और पाकिस्तान को स्पेयर हेड शायद मिल सकता है। बट इट्स टू अर्ली टू से दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू सी कि टेस्ट मैच में कैसे जाते हैं, कितने फेंटी पड़ती है, फैंटी से वो कितना सीखते हैं, कैसा कम बैक करता है, कैरेक्टर देखने पड़ेंगे उसके। बट आई रियली विश हिम बेस्ट ऑफ लक बिकॉज उसने बहुत करेज दिखाई। बड़ा मुश्किल होता है वालदा की वफ़ात हो और एज अ
as a son, you know, I can understand that, you know, it's not easy right for him now onwards. But we all support him and we wish him best of luck because main ek character wala fast bowler chahta hu, character wala ho, zara come back kare. Australia mein maar padti, har fast bowler ko padti hai wahan maar, aur tagda khelte hain. Lekin thoda sa aap gutsy ho, thoda sa aap zara tagda muqabla karke dikhayein to aapko bada appreciate bhi karte hain. Pakistan team ke liye is going to be easy ride in test matches, let me tell you right now, because it's going to be difficult because Pakistan has done well in a side match. Bowlers ne bowling ki, out kiye, Iftikhar ne kiye, Shaheen Shah ne kiye, but it's not going to be easy ride for them in the test matches. But agar Pakistan kisi ek session mein come back karta aur grip leta hai test matches ki, then it's going to be easy, it's going to be much easier for Pakistan. But having said that, I still believe that it's going to be a test of characters होगा क्या पाकिस्तान का. पाकिस्तान में जो वीकेस्ट लिंक रहा है जो पिछले कुछ अरसे में मुझे लगा वो कप्तान का रहा है. सरफराज अगर अच्छी कप्तानी करता रहता, चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे उसने कप्तानी की थी और करता रहता ऑनवर्ड्स, तो अभी तक वो खैर बहुत तैयार हो जाता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने अपने सेक्रीफाइस की अपनी जगह बहुत सारे लड़कों के लिए, और बहुत सारे लड़कों को उसने प्लेयर बनाने की कोशिश की और अपनी बैटिंग को सेक्रीफाइस कर गया और अपनी कप्तानी को सेक्रीफाइस कर गया. फाइनली यू हैड टू पे the price in terms of losing his captaincy and his place in the team. But I wish Pakistan best of luck. It's not going to be easy, but hey, yahi pe test of character ka paas chalta, test of characters ka paas chalta. Go out there, enjoy your thing. Yaad rakhe, test matches mein comebacks are most important, and that's what I like to see from Naseem Shah and the bowlers and the batsmen. देखें बैट्समैन बाबर ने रन्स किए हैं, सारों रन्स किए हैं. आई विश देम बेस्ट ऑफ लक. ऑल वी कैन से इज डू सम वंडर्स व्हिच वी कुडंट डू इट. विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर. लुक गाइस, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु क्रिटिसाइज, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली ट्राई टू से द लॉजिकल थिंग्स, और आप लोगों को पसंद आती है कि मैं ब्लंटली बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ लॉजिकल बात करने की. लेकिन जो एक बंदा जो इंजर्ड नहीं होता था, जिसको 24 घंटे इंजरी रहती थी, पूछो कौन. मैं तो समझ गया. ओह यार, ओए मैं क्या हुआ यार, मैं निकल आया. मैं कहा तेरी पेस 120 है, तेरा निकल कैसे निकल सकता है अजहर महमूद. पाकिस्तान वहीं से बाहर हो गए थे जब वेस्ट इंडीज का पहला मैच पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा. फखर, इमाम, बाबर, ये आपका सेट है, ये छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको. ये अभी तक धड़क रहा है, बहुत जोर का धड़क रहा है. और मैंने कहा था ना आपसे फैंटा लग जाएगा. याद रखना, एक उंगली दूसरी की तरफ होती है, चार अपनी तरफ होती हैं. सो ये याद रखना. सो डोंट स्टॉप क्रिटिसाइज सानी मिर्जा एंड प्लीज वंस फॉर ऑल आई एम सेइंग टू यू, सोनाली बेंद्रे मेरा कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ ऐसा नहीं था. प्लीज स्टॉप दिस स्पेकुलेशन वंस फॉर ऑल. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द मीडिया. पूरी कौम खड़ी हुई है, लेकिन ये याद रखना कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एसेट था, फ्रंट लाइन फोर्स है हमारी. जब भी पाकिस्तान फंसा है, जब भी पाकिस्तान कहीं भी मुश्किल आता, अभी भी मुश्किल माशी हालात में फंसा हुआ है, तो ये हमारे जो फॉरेन रेमिटेंस हैं, जो आप लोग हैं, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, ये आज भी मदद के लिए सबसे पहले खड़ा होता है. ये जो जगह है ना, ये भी बहुत ज्यादा पुरानी है और हिंदुओं के लिए बड़ी सीक्रेट हिस्टोरिकल प्लेस, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है. तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे जो लोग हिंदुस्तान में वो देखें, क्योंकि बात क्या है. अब क्या करेगा बीसीसीआई? बीसीसीआई अब इनकी जो जितने दोस्तों को विराट कोहली ने फेवर दी थी और उनको प्लेयर बनाने में मदद की थी और अच्छी नीयत से की थी कि केएल राहुल प्लेयर बन जाए, दिनेश कार्तिक बन जाए, सारे आ जाएं, पंट आ जाए, वो अब फेवर इन दोस्तों को नहीं मिलनी. ऑफ स्टंप से निकलती हुई बॉलें बैट्समैनों को तंग करती हैं, स्पेशली इंडियन बैट्समैनों को तंग करती हैं. मैं क्या, ये इन बेवकूफों को नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए. अच्छा कौन है? डेल स्टेन. मैं कहो भाई तू इस पेस से हमारे साथ खेल रहा होता, हमने सो भी नहीं करना था. मैं चाहता हूँ कि नई टीमें वर्ल्ड कप जीतें, उनकी क्रिकेट प्रमोट हो, इंग्लैंड का क्रिकेटर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता जाए. शाहिद अफरीदी ने भी तो ये दो तीन दफ़ा हुआ था ना, वर्ल्ड कप के बाद छोड़ रहे हैं, अब इसके बाद छोड़ रहे हैं, कहते थे मेरे कोई प्लान्स नहीं है. लेकिन लेट्स सी जी, गेल के यूसुफ ने चार दफ़ा रिटायरमेंट दी है ना. आज मैं रिटायर हूँ, कल वापस आ जाए. मैं यूसी छोड़ दे यार.